नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि सॉयल बनती कैसे है। एक होती है चीज जिसे हम कहते हैं वेदरिंग और दूसरी इसकी भाई इरोजन। तो भाई दोनों वेदरिंग और इरोजन ये क्या बलाएं हैं? सिंपल सी बात है भाई कि एक ये रॉक है, रॉक का ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा होगा, ये वाला पोर्शन ये नदी के फ्लो के बीच में आ रहा है। एक टाइम आएगा कि ये जो पानी है इस पत्थर को तोड़ देगा। मतलब वेदरिंग का सिंपल सा मतलब हो गया, द लार्जर रॉक बींग ब्रोकन इन टू स्मॉलर फ्रेगमेंट इज कॉल्ड एज वेदरिंग। सिंपल जैसा, एक बड़ा रॉक है छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट गया, उसको हमने क्या बोला, वेदरिंग हो गई। जरूरी नहीं कि वो नदी से ही हो, वो क्लाइमेट से भी हो सकता है, बारिश से भी हो सकता है, धूप से भी हो सकता है, इसके अलावा बायोलॉजिकल रीजंस भी है, केमिकल रीजंस भी हैं, बहुत सारे एजेंट्स होते हैं जिसके वजह से वेदरिंग होती है। इसलिए इसको फिर फर्दर डिफरेंट मतलब हम क्लासिफाई करते हैं, मगर इतना डेप्थ में घुसने की जरूरत नहीं आपके लेवल में। फिलहाल आप इतना ही समझो कि वेदरिंग मतलब होता है सिंपल रॉक्स का टूटना छोटे फ्रैगमेंट्स में, उसको हम वेदरिंग कहते हैं। दूसरा टॉपिक देखते हैं इरोजन। वही रॉक्स जो टूटे हैं छोटे पीस में, जब उनका मूवमेंट होता है एक जगह से, अब नदी ने इस रॉक के पीस को तोड़ के वो आगे लेके गई कोर्स में, इसने इसको इतना चूरा बना दिया क्योंकि अब पत्थर है, फिर बाकी पत्थरों से टकराएगा, नदी उसको लेके आएगी, एकदम छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में ये बदल देगा और फिर उसके बाद इसको यहाँ कहीं आके डिपॉजिट कर देगा, ऐसे यहाँ पर कहीं आके डिपॉजिट कर देगा इन द फॉर्म ऑफ सॉइल। इसी को बोलते हैं इरोजन। तो मतलब क्या हुआ, वेदरिंग मतलब हुआ सिंपल कि टूटना छोटे फ्रैगमेंट्स में, और इरोजन का मतलब क्या हुआ, इरोजन का मतलब उसी छोटे हुए जो टूटे हुए जो हिस्से हैं उनका मूवमेंट और उनका डिपोजिशन दूसरी जगह, उसको हम इरोजन कहते हैं। सवाल उठता है कि इनसे मिट्टी कैसे बनती है। जाहिर सी बात है यार, मैंने आपको पहले भी बता दिया, रॉक्स के टूटना, जब रॉक टूटते हैं तो छोटे फ्रैगमेंट्स में बदलते हैं और फिर छोटे फ्रैगमेंट्स और छोटे फ्रैगमेंट्स में बदलते हैं और फिर वो कहीं ना कहीं जाकर डिपॉजिट होते हैं, इसी से बनती है सॉइल। कुल मिला के सॉइल का जो पेरेंट है वो कौन है, रॉक है। रॉक टूटेगा तभी ये सॉइल बनेगी। और ये किससे होगा, दो प्रोसेस से होगा, एक वेदरिंग से और एक इरोजन से।